इंटरनल ट्रैफिक आपका जनरेट होता है और इनक्रिप्टेड भी होता है। बीच में अगर कोई उसको इंटरसेप्ट करना चाहे, स्निफ करना चाहे, उस पैकेट को कैप्चर करना चाहे तो नहीं कर सकता। VPN, ये सिक्योरिटी के लिए VPN यूज किया जाता है। आजकल VPN, प्रॉक्सी, ये सब हैकिंग पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। अभी आपको पता है कि हैकिंग किसी को भी करना है तो सबसे पहले, अब जैसे टॉर का अगर कॉन्सेप्ट आप देखो तो टॉर भी क्या है, इट इज ट्राइंग टू हाइड योर एक्चुअल आइडेंटिटी एंड इट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड सम स्पूफ्ड कनेक्शन एंड ऑल, राइट। तो ट्रैश बैकिंग अगर कोई करता है, और जब जहाँ पे मल्टीपल, देखो ट्रैश बैक की पॉसिबिलिटी कब होती है, जब आप, आपके बीच में कोई एक, जैसे एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी, मैंने ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी यूज किया, यहाँ से आपका कम्युनिकेशन प्रॉक्सी पे गया, प्रॉक्सी से टारगेट पे, टारगेट के पास जो आईपी मिल रहा हो प्रॉक्सी आईपी है, ट्रैश बैक करेगा प्रॉक्सी के पास जाएगा, प्रॉक्सी से मेरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन किसके पास है, प्रॉक्सी के पास है, करेक्ट। सो ट्रैश बैकिंग इज पॉसिबल, बट उस केस में अटैकर क्या करते हैं, वो स्मार्टली प्ले करते हैं। कैसे, अब जैसे मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे आपको अटैक करना है, बट आप ये दिखाना चाहते हो कि अटैक इंडिया से नहीं हुआ, इट्स हैपनिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट। तो आपको उस कंट्री का प्रॉक्सी या वीपीएन आपको सेटअप करना होगा और फिर उसके थ्रू अटैक होगा। व्हेन दैट अटैक विल हैपन एंड व्हेन दे विल एनालाइज द लॉग, दे विल फाइंड दैट द अटैक इज हैपनिंग फ्रॉम द चाइना। देखो इंटरनेट और सिस्टम, आज के डेट में टेक्नोलॉजी का यही बेनिफिट है, यू कैन फूल द पीपल अराउंड, यू नो, आपको जो दिखाना है वो दिखा सकते हो, आज हर चीज़ पॉसिबल। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ बट मैं अपने आप को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं पुणे में नहीं हूँ, आई एम इन US, है ना। अब तुम कैसे ट्रैक करोगे, ठीक है, तो मैंने आपको कॉल किया, कहाँ से आ रहा है, US के नंबर से आपको कॉल आ रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट आपको लगेगा कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, US से बात कर रहा हूँ। आजकल ऐसे इंटरनेट पे आपको मोबाइल हैकिंग में मैं जब जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि आप किसी नंबर से किसी कॉल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब फिर वहाँ पे US आपको दिख रहा है कि US का है, अभी IP भी सोच, आप सपोज थोड़ा टेक्निकल है, आपने सोचा चलो IP से भी चेक कर लेते हैं, तो IP भी वहीं का यूज हो रहा है। आप, अब दो क्राइटेरिया थे आपके पास चेक करने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों जगह पे क्या मिल रहा है, यूनाइटेड स्टेट, राइट। अगर वहाँ पे दो अलग अलग चीज़, देखो स्मार्ट जो हैकर्स क्रिमिनल होते हैं ना, उनका हर एक चीज़ को ऐसा, जैसे अभी कोई एक बिगिनर है, अभी इनिशियली क्राइम में जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे VPN लगा दिया है, प्रॉक्सी कहीं और का है, ठीक है, फिर उसके थ्रू कुछ एक्टिविटी किया उसने, बट और चीज़ें जो उसको स्पूफ करनी चाहिए वो नहीं कर पाया, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके कम्युनिकेशन में डिफरेंस दिख रहे हैं, लोकेशन में डिफरेंस दिख रहा है, तो उससे क्या होता है, इट बिकम सस्पिशियस। व्हेन थिंग्स बिकम सस्पिशियस देन इट गोज फॉर मोर एडवांस लेवल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फिर उस केस में क्या होगा, फिर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बट अगर हर चीज़ एक ही जगह से मिल रही है, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक्चुअल में हूँ, यहाँ से मैं इंटरनेट एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कॉल भी कर रहा हूँ, इसी लोकेशन से मेरा कॉल जा रहा है ना, लोकेशन जो टॉल लोकेशन मिलेगा, सब कुछ ट्रैश, अगर कोई ट्रैश बैक करेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह की ही मिलेगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे प्रॉक्सी अभी कहीं का और लगाऊँ, कॉल यहाँ से करूँ, तो हर एक चीज़ को, बिकॉज ट्रैकिंग करने के ये सब ऑप्शंस हैं, आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो गया, ठीक है, हर एक क्रिमिनल, हर एक क्राइम को बहुत आसानी से ट्रैश बैक किया जा रहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर, राइट। समबडी हु इज़ ए क्रिमिनल बट नॉट यूजिंग एनी टेक्निकल डिवाइसेस, उसको ट्रैश बैक कर ही नहीं सकते, मतलब फिर उसको कैच करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो। अभी देखो क्राइम करके जो बहुत सारे मे बी नॉट दैट मच टेक्नो गाय और दे नो दैट कि मोबाइल वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाया, कोई क्राइम करके अगर वो चले गए तो उनको फाइंड आउट करने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी दे हैव टू इन्वेस्ट टू फाइंड इट आउट, राइट। मोबाइल स्मार्ट जो ये जो IT वाले लोग हैं, इनको ट्रैश बैक करना है, एक मिनट में ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज डिवाइसेस आपका जो भी आप यूज कर रहे हैं आपका उससे लोकेशन से लेके हर चीज़ पता चल जाता है। बट मोबाइल पे भी कम्युनिकेशन हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं। अभी देखना है यहाँ पे आगे आपको जो मैं प्रॉक्सी बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो अगर आप सपोज आपको ये चेक करना है कि स्पूफ्ड IP टारगेट वाला यूज कर रहा है या नहीं, तो आप क्या करो, उसको पिंग करो उस IP पे, अगर उसका TTL वैल्यू
किसी ओएस से मैच नहीं होता, तो ये समझ जाओ कि सामने वाले का आईपी जो है रियल आईपी नहीं। टीटीएल वैल्यू कमिंग लाइक 15 20 समथिंग व्हिच इज नॉट मैचिंग फ्रॉम एनी ऑफ द ऑपरेटिंग। जैसे मोस्टली विंडोज वाला है तो 128 टीटीएल वैल्यू होगा, लिनक्स है तो 64 होगा, लाइक वाइज राइट। ऐसा टीटीएल वैल्यू आपको मिल रहा है जो किसी भी ओएस से मैच नहीं होगा। इसका मतलब टारगेट कौन है? स्पूफ्ड। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडिया दैट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर टारगेट इज द रियल और नॉट। चलिए अब मैं आता हूँ प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही कॉन्सेप्ट है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। सेंडिंग अ सिन पैकेट विद द स्पूफ्ड आईपी एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हियर इज टीसीपी फ्लो कंट्रोल मैथड। टीसीपी कैन ऑप्टिमाइज द फ्लो कंट्रोल ऑन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एंड विद इट्स एल्गोरिथम। तो मोस्ट स्पूफिंग अटैक अकर्स ड्यूरिंग द हैंडशेक एज इट इज चैलेंजिंग टू बिल्ड मल्टीपल स्पूफिंग। सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? जब भी आप टारगेट से कम्युनिकेशन कर रहे हो और अगर टारगेट का आईपी रियल नहीं है तो थ्री वे हैंडशेक होगा ही नहीं। उसी केस में आपको समझ में आ जाएगा कि दैट कम्युनिकेशन विच इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम द रियल सिस्टम और रियल आईपी एड्रेस। बिकॉज जब आप कनेक्शन, अभी इस रिक्वेस्ट जिस आईपी से आएगा रिस्पॉन्स भी उसी को जाएगा ना। अभी मैं प्रॉक्सी आईपी लगा के अपने सिस्टम में कम्युनिकेशन अगर कर रहा हूँ तो उसका रिस्पॉन्स भी प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये भी इंडिकेशन है, इससे भी पता किया जा सकता है कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट आईपी इज हुज आईपी एड्रेस। देखो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है ये इसके थ्रू ट्रैकिंग क्यों होती है? बिकॉज ये आईपी रजिस्टर्ड होते हैं हमारे नेम्स। जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो इंटरनेट कनेक्शन जब आप लेते हैं तो उस केस में आपका आईपी एड्रेस आपके नेम से रजिस्टर्ड होता है। आजकल देर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस विच वी यूज। वन इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी एंड देर इज अनदर इज अ डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी मतलब थोड़े कॉस्टली होते हैं, मतलब वो उस केस में स्टैटिक आईपी लोग लेते हैं। जैसे आपके पास सीसीटीवी कैमरा है ना, तो आप स्टैटिक मीन्स फिक्स आईपी एड्रेस जो चेंज नहीं होता। स्टैटिक मीन्स द आईपी एड्रेस विच इज अ डेडिकेटेड फॉर यू। एंड डायनेमिक आईपी का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अभी मे बी हाफ एन आवर आपने यूज किया, फिर उसके बाद चेंज होकर आपको कुछ दूसरा मिला, फिर वो आईपी किसी और को अलॉट हुआ, तो दैट्स कॉल्ड रैंडम। अभी उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है डायनेमिक आईपी के थ्रू जब होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है ट्रैस बैक करना। इसलिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रहे हैं कि अपकमिंग एक साल के अंदर आपको दिखेगा कि डायनेमिक आईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, देर विल बी ओनली स्टैटिक आईपी। उससे क्या होता है, इजीली हम कौन क्या कर रहा है वो आसानी से ट्रैक कर सकते, राइट। सो दैट्स द प्लस पॉइंट। तो स्टैटिक आईपी का प्लस पॉइंट। तो आईपी स्पूफिंग का काउंटर मेजर क्या है? आईपी स्पूफिंग मतलब जैसे अभी फेक आईपी, प्रॉक्सी आईपी कोई अगर यूज करता है तो उस केस में इनक्रिप्ट ऑल द नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज आईपीसेक, टीएलएस, एसएसएस, एचटीटीपीएस। यूज मल्टीपल फायरवॉल टू प्रोवाइड मल्टी लेयर डेप्थ ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया फायरवॉल ईजिली बाईपास होते हैं, बट फायरवॉल में भी अलग अलग टाइप्स हैं। अभी एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ओनली वर्क ऑन वेब एप्लीकेशन दैट एप्लीकेशन लेयर, ओएसआई का जो फर्स्ट लेयर आपका सेवेंथ लेयर है उस पर वो काम करता है, ठीक है। बट देयर इज ऑल्सो वन फायरवॉल विच इज कॉल्ड स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्ट्रक्शन फायरवॉल, जो आपका नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सबके लिए काम करता है। तो उस केस में वो फायरवॉल जैसे सिस्को के जो पिक्स वगैरह फायरवॉल आते हैं, सिस्को पिक, एएसए फायरवॉल एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायर, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी जैसे मैं विंडोज़ पे हम लोग जो फायरवॉल बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज़ पे कौन सा फायरवॉल है? डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर, राइट। लिनक्स पे जो फायरवॉल है सॉफ्टवेयर फायरवॉल उसका नेम क्या है? आईपी टेबल, व्हाट इज कॉल्ड आईपी टेबल, ठीक है। तो ये जो फायरवॉल है ये तो आपके ओएस के साथ इनबिल्ट, इसमें भी बहुत सारे हम लोग रूल्स बना सकते हैं आगे आगे। इसको कॉन्फिगर कैसे करते हैं विंडोज फायरवॉल को, लिनक्स फायरवॉल को, वो भी आपको आएगा उसमें, ठीक है। एंड इट इज सेइंग दैट डू नॉट रिलाई ऑन आईपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बिकॉज आईपी एड्रेस जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया
कि आपका जो टारगेट का आईपी जो अलाउड है वही आईपी मैंने अगर अपने यहाँ पे सेट करके उसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजूंगा तब तो बाईपास हो जाएगा। तो आईपी बेस्ड अगर ऑथेंटिकेशन आप नहीं करते, आप इसमें ऐसा भी देखो, जब सिक्योरिटी सेटिंग आप करते हो तो जैसे अभी आईपी के साथ मैंने पोर्ट को भी बाइंड कर दिया, मैक को भी बाइंड कर दिया, तो मैक आईपी पोर्ट ये तीनों क्राइटेरिया मैच होगा तो अलाउड होगा। गॉट इट? अगर ये ऐसा आपने कुछ नहीं किया तो वहाँ पे मैक भी स्पूफ होगा, मैक अलग तरीके से बाईपास करेगा, आईपी अलग बाईपास करेगा और जो पोर्ट है वो अलग तरीके से बाईपास करेगा। तो जब हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी नेटवर्क में तो हमारा रिक्वायरमेंट वहाँ पे ये होता है कि इंस्टीड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर मैक फिल्टरिंग गो विद द मैक विद आईपी बाइंडिंग। तो उससे क्या होगा, फिर आप दोनों चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अब देखो आईपी के केस में क्या होता है, अभी ए सेम आईपी एड्रेस एक नेटवर्क में दो सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकते। एक लोकल नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आपके दो आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क में सेम नहीं हो सकते, आईपी कॉन्फ्लिक्शन होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैक एड्रेस के केस में ऐसा नहीं होता, एक नेटवर्क में दो सेम मैक एड्रेस हो सकते हैं, राइट? इसलिए वो मैक फिल्टरिंग वगैरह आपका आसानी से बाईपास हो जाता है, दैट्स द रीजन। ओके, तो सर आई हैड अ क्वेश्चन। या गो अहेड। सर आईपी एंड मैक दोनों स्पूफ कर सकते हैं तो फिर कैसे कैच करेंगे अटैकर को? हाँ, अब देखो क्या होता है कि जब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आपने स्पूफ किया, ठीक है, दोनों मैक स्पूफ होते हैं, दोनों स्पूफ होते हैं, डेफिनेटली दोनों स्पूफ किए जा सकते हैं। तो इसको द क्वेश्चन इज कि ये दोनों स्पूफ अगर होते हैं तो हम कैच कैसे करेंगे, अगर किसी ने अटैक किया हाउ वी विल कैच देम, राइट? तो होता क्या है, जब आप स्पूफिंग करते हो या कोई चेंजेस आपके सिस्टम पे नेटवर्क परफॉर्म करते हो तो इसका रिकॉर्ड जो है अपडेट आईएसपी के पास भी होता है, समझ में आ रहा है? अपडेट आपका आईएसपी के यस सर, पास भी जाता है, आप मैक चेंज कर रहे हो, आप आईपी चेंज कर रहे हो, तो उनके रिकॉर्ड में आपका इंफॉर्मेशन अपडेट होता है। हाँ, इससे अगर जैसे टॉर का अगर मैं सिनारियो लूँ, सिर्फ आईपी और मैक अगर आप चेंज करते हो तो वो रिकॉर्ड पता चल जाता है कि ये हुआ। अब फिर स्पूफ वाले से जो एक्टिविटी करोगे उसका रिकॉर्ड तो आईएसपी के पास रहेगा। अब उसके पास वो भी रिकॉर्ड है, कौन सा, जो ओरिजिनल था, अभी उसी सिस्टम पे जो चेंज हुआ उसका भी रिकॉर्ड है, स्पूफ करने के बाद जो एक्टिविटी हुई उसका भी रिकॉर्ड है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आपने वीपीएन एंड टॉर जैसे अगर टेक्निक यूज किया तो वीपीएन टॉर का बेनिफिट क्या है, अगर कम अगर आप प्योरली ये आईपी और मैक को अगर कंपेयर करो वीपीएन टॉर से, तो वीपीएन टॉर ज़्यादा सेफ है। कैसे सेफ, मतलब आप एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज टॉर जब इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन तो आईएसपी के पास ये भी रिकॉर्ड होगा कि मैं टॉर यूज कर रहा हूँ, बट टॉर के स्टार्ट होने के बाद मैंने क्या किया वो आईएसपी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, दैट्स द सेफ पॉइंट, राइट? वीपीएन के केस में क्या होता है, ये उनके पास इंफॉर्मेशन है कि मैं वीपीएन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट वीपीएन स्टार्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ वो सिर्फ वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर ही हेल्प कर सकता है। अगर आप ऐसे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हो जो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करता, जैसे नॉट वीपीएन, बहुत सारे एलाइट वीपीएन एंड देर इज अ एक्सप्रेस वीपीएन, देर आर मेनी वीपीएन सर्विसेज जो मेंटेन ही नहीं करते, लॉग ही नहीं मेंटेन करते, इसलिए हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा यूज किया जाता है, गेटिंग दैट? तो आप अगर लॉजिकली सोचोगे ना तो हर चीज़ का सलूशन है। अभी जैसे मैंने बताया कि आईपी स्पूफ किया मैंने, बट आईपी स्पूफ करने के बाद हमारा कनेक्शन जो कम्युनिकेशन है वो तो उसी तरीके से होगा, आईएसपी के पास वो सारा रिकॉर्ड जाने वाला है। आईएसपी मेंटेन मिनिमम ऑफ 30 डेज ऑफ लॉग, सॉरी 90 डेज, अर्लियर इट वॉज 30 डेज, अर्लियर आईएसपी 30 डेज का लॉग मेंटेन करता था, अभी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में रिवाइज किया और उन्होंने उसको कर दिया 90 डेज, मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स ऑफ लॉग आईएसपी मस्ट मेंटेन ऑफ ईच एंड एवरी यूजर। इफ दे फेल, सो आपको मैंने फर्स्ट डे पे वो दिखाया था इंट्रोडक्शन में लॉ, उसमें आपने देखा था कि वो आईएसपी के लिए भी एक लॉ था वहाँ पे, उन उसके लिए भी पेनल्टी है, उनकी सर्विसेज को बंद किया जाता है, दे हैव टू मेंटेन द लॉ, राइट? बट अगर टॉर जैसे सर्विसेज यूज कोई कर रहा है तो उस केस में वी ये सर्विस प्रोवाइडर के पास टॉर का कोई रिकॉर्ड नहीं जाता, टॉर के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्प्लीटली
कि टनल्ड है, इनक्रिप्टेड है एंड देयर इज नो सिंगल एक्टिविटीज रिकॉर्ड आईएसपी कैन होल्ड। इसीलिए देखो अभी कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, टॉर के थ्रू वो कर रहा है, इसलिए आईएसपी के पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं। तो गवर्नमेंट आसानी से आईएसपी से वो रिकॉर्ड मॉनिटर करने के लिए मांग सकती है और उस पे उसके थ्रू वो सबको चेक कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, राइट। तो स्पूफिंग होगा, राइट, बट स्पूफिंग सिर्फ आईपी मैक स्पूफ करके आप किसी दूसरे फायरवॉल को बाईपास करना है, ये करना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्टिविटी करना चाहते हो कि किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग, देन देयर आर अदर मैक, राइट। और स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग इस पर्पस से करना है आपको कि सपोज इस नेटवर्क में आपको कनेक्ट होना है तो इस नेटवर्क में जो अलाउड एड्रेसेस हैं वो अपने सिस्टम में अपडेट करके और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क एंड आई कैन डू स्टार्ट मॉनिटरिंग, स्निफिंग एंड इंटरनल अटैक। Got it? So do not rely on IP-based authentication. Use a random initial sequence number to prevent IP spoofing attack based on sequence number spoofing. A sequence number, हर packet के साथ sequence number होते हैं जब आप communicate करते हैं, ठीक है? तो initial sequence number वगैरह random अगर आप रखते हैं तो उस केस में ये भी एक detection method है, countermeasure है। ingress filtering and there is one concept called egress filter. ये क्या है? ingress filtering का मतलब होता है कि जो आपके network, मतलब आपके network पे request आ रहा है बाहर से, मतलब जो request बाहर से आपके network पे आ रहा है उसको monitor करना और उसको block करना if it is not coming from a right source, because आपके पास criteria हो सकते हैं किस type के incoming traffic को allow करना है, किसको नहीं करना है। और egress filtering का मतलब होता है जो आपके एड्रेस से, आपके नेटवर्क से बाहर जा रहा है या आपके इंटरनल एड्रेस से रिक्वेस्ट बाहर जा रहा है। जैसे अभी फिल्टर ऑल आउटगोइंग पैकेट विद द इनवैलिड लोकल आईपी एड्रेस। इनवैलिड लोकल आईपी का मतलब हुआ किसी ने स्पूफ करके, सपोज अभी मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस स्पूफ कर दिए मेरे सिस्टम, तो फिर क्या होगा? अब वो आपके लैन का एक्चुअल जो आईपी है उसका डिटेल हमारे डिवाइसेस के पास अवेलेबल है। सडनली आपने एक न्यू आईपी चेंज किया और उसके थ्रू आप आउटसाइडर से कम्युनिकेशन करना है आपको, तो फिर उस केस में ईग्रेस फिल्टरिंग आपको ब्लॉक कर दे। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड ईग्रेस फिल्टरिंग। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच कैन बी यूज फॉर काउंटर मेजर, आईपी स्पूफिंग काउंटर मेजर। और कस्टम पैकेट कैसे जनरेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, एचपिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे एक पैकेट क्राफ्टिंग टूल और है, ठीक है। जैसे एचपिंग से जो आपने किया था, अगर आपको उसी से रिलेटेड, मतलब एचपिंग जैसे पैकेट जनरेट करता है वैसा ही अगर आपको कोई दूसरा एक टूल चाहिए तो कोलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर इज देयर। व्हाट इज दैट? कोलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर, ये पेड टूल है, फ्री नहीं, पेड है। ये भी स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बट जो स्पीड एचपिंग आपको दे सकता है वो ये नहीं दे। आप कभी कंपेयर करना है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, यहाँ पे सोर्स आईपी आपको डिफाइन करना है और डेस्टिनेशन। देखो सोर्स फिजिकल एड्रेस एंड सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स फिजिकल, डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, देख रहे हैं, राइट। तो ये बस इनको डालना है और फिर किस टाइप का पैकेट आपको जनरेट करना है, पैकेट का लेंथ कितना होना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। गॉट इट? कोलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर, दैट इज फॉर जनरेटिंग ऑफ फेक पैकेट्स, सेम लाइक एचपिंग 3 वी हैव यूज्ड फॉर, राइट। सो इस मॉड्यूल में आपने देखा है एनमैप का हर जगह पे ऑलमोस्ट यूज है ना, बिकॉज एनमैप के थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। हमको चाहे रैंडमाइज करना हो, हमको फ्रैगमेंटेशन करना हो, डिकॉय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करना हो, सब कुछ एनमैप के थ्रू किया जा सकता है। ओके।
अभी तक हमने इस मॉड्यूल में nmap, zmap, hping, right, and different type of concept related to scanning we understood, right? आपको ये theoretically पूरा complete करना है, जाना है, because that every single concept जो भी इस document में है, ठीक है, वो बहुत important है, और इसलिए आपको वो सब समझना है, और उसके साथ labs भी perform करने हैं। अब मैं आता हूँ कहाँ पे proxy पे, ठीक है? Where proxy server? ये proxy server जो है मोस्टली अगर आप देखोगे ऐसा नहीं कि प्रॉक्सी वीपीएन ये हैकिंग के लिए ही यूज किया जाता है, ये मिसकॉन्सेप्शन। प्रॉक्सी वीपीएन हमारी सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस जो सिस्टम आपको मिला है, अगर उस सिस्टम को सेटिंग में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे प्रॉक्सी आईपी बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। उसका रीजन क्या है? एनीबॉडी कैन टेल why that every organizational PC have the proxy IP address? हाँ, उस देखो, so इसके multiple reason है, multiple reason। जैसे आपके पास एक single IP address है, और उस आपके network में बहुत सारे और IP की requirement है, बट एक आईपी पेड आईपी, पब्लिक आईपी जो होता है पेड आईपी होता है, राइट? जैसे अभी एक ही इंटरनेट कनेक्शन है मेरे पास, राइट? अब एक इंटरनेट कनेक्शन है बट मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर है, सबको मुझे अलग अलग आईपी देना है, पब्लिक आईपी, तो उसके इसमें प्रॉक्सिंग लगा, उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड आईपी मल्टीप्लेक्स, राइट? एक तो वो कर सकते हो आप। दूसरा, जितना हैकर से हम डरते हैं, ठीक है, उतना ही हैकर हमसे भी डरते हैं। हैकर को भी अपनी आइडेंटिटी को स्पूफ करना है और हमको भी करना है। हम नहीं चाहते कि हमारा रियल एड्रेस हैकर को मिले, और हैकर भी नहीं चाहता कि उसका रियल एड्रेस हमको मिले, इजंट इट, राइट? बोथ आर लुकिंग टू प्रोटेक्ट देयर एड्रेसेस फ्रॉम ईच अदर। सो उस केस में हैकर भी प्रॉक्सी यूज करता है, वीपीएन यूज करता है, और हम भी वही यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट, बिकॉज यू नो दैट इफ समबडी कम्स टू नो लाइक दे आर हैविंग योर रियल आईपी एड्रेस और रियल आइडेंटिटी, so they can directly attack and it will be very problematic for you. You can't like immediately you can't stop that, because wo to attack ho jab chalu ho jata hai us samay aapka preparation kya hai, bade bade organization ke paas to bahut sara alag alag type ka setup infrastructure hota hai jahan pe attack ko roka ja sakta hai. Hamare aapke case mein kuch nahi kar sakte hai na, attack hoga 100% guaranteed hai, और उसके बाद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक ऑप्शन है आपके पास कि किसने किया, व्हाई दे हैव डन, व्हाट वाज द वीकनेस इन योर सिस्टम, दैट ऑल यू कैन गो, राइट? सो प्रॉक्सी वर्क एज एन इंटरमीडिएट, और प्लस एक और बेनिफिट, जो ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर पे प्रॉक्सी लगाया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक इंटरनल प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करता है, और जब सारे सिस्टम को मैं वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू रूट कर देता हूँ तो फिर मॉनिटरिंग थोड़ा आसान हो जाता है। मॉनिटरिंग आसान कैसे हो जाता है, बिकॉज हर सिस्टम का रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। मैं प्रॉक्सी सर्वर पे बैठ के सबको मॉनिटर कर सकता हूँ कौन क्या कर, राइट? सो वी हैव रूटेड दैट टू वन सिंगल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, दैट्स अ गुड एक्चुअली, दैट्स अ बेनिफिट। कौन क्या कर रहा है ना, वो सब मॉनिटर आप कर सकते हैं। प्लस इन्होंने जो बोला कि कोई बाहर से अगर स्कैन करता है सपोज, और कोई रियल आईपी अगर उसको मिलता है तो डायरेक्ट अटैक करता है। अभी उसको अगर प्रॉक्सी वाला एड्रेस से, मैं हमेशा जब मेरा रूटीन में प्रॉक्सी से ही कम्युनिकेशन करना है तो उसको भी जो मिलेगा एड्रेस वो प्रॉक्सी एड्रेस होगा, तो अटैक करेगा तो प्रॉक्सी सर्वर पे होगा, ना कि हमारे सिस्टम पे हो। अभी कोई प्रॉक्सी आईपी एड्रेस पे अटैक होता है तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम पे उसका जीरो इम्पैक्ट होगा, बिकॉज दैट अटैक इज गोइंग टू हैपन ऑन अ प्रॉक्सी सर्वर, राइट? इफ योर इट इज अ रियल आईपी एड्रेस देन इट इज गोइंग टू हैपन ऑन योर application, your system, right? So इसलिए proxy लगाने के multiple reason है, right? और somehow hacker को भी ये help करता है ना, उनके identity को hide करने के लिए, so to provide some protection against hacking attack, right? And to save bandwidth. अभी इसमें जैसे slow internet connection, high speed proxy आपने use किया तो आपका speed अपने आप बढ़ जाता है, हाई स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन है, स्लो प्रॉक्सी आईपी आपने यूज किया तो आपका कनेक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है?
तो बैंडविथ वगैरह को सेव करने के लिए भी प्रॉक्सी का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अबे यहाँ पे अगर ये सिनेरियो देखते हो आप, तो प्रॉक्सी अगर अटैकर डायरेक्टली, सपोज अभी प्रॉक्सी को अगर यहाँ से मैं हटा दूँ, तो डायरेक्ट अगर मैं कोई एक्टिविटी टारगेट के साथ करता हूँ, तो इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी इसके पास डिस्क्लोज होता है ना। तो अभी इसने क्या किया है, इसने प्रॉक्सी का आईपी यूज किया और इट इज ट्राइंग टू लॉन्च एन अटैक थ्रू प्रॉक्सी। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, दिस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डिटेल है किसका है, प्रॉक्सी का है, ना कि अटैकर। गेटिंग दैट? तो ये है प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग प्रॉक्सी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सिंग कॉन्सेप्ट है जो इतने रिलायबल नहीं, बट बिकॉज आप सीख रहे हैं तो आपको हर टाइप के प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। फिर वो आपके ऊपर है। अब जैसे आजकल इंडिविजुअल लेवल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कोई भी पेड प्रॉक्सी आईपी यूज नहीं करता, सब क्या करते हैं, फ्री वाले प्रॉक्सी आईपी यूज करते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, तुम एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हो, उसके साथ फ्री प्रॉक्सी आईपी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स लाइक नो यूज ऑफ यूजिंग प्रॉक्सी। बिकॉज पहली चीज, जब हम किसी पेड सर्विस के साथ जाते हैं, तो उस टारगेट के साथ जो वेंडर है उसके साथ हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उस केस में हम ये चीज़ को भी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर कुछ, सपोज गवर्नमेंट अगर आपसे डेटा लेता है, तो आपका डेटा पॉलिसी क्या है, यूजर की सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, तो बहुत सारे साइन वगैरह हम एग्रीमेंट और उस पर कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आई विल बी ऑल्सो हैविंग अ कम्प्लीट आइडिया कि ये हमारे आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा या नहीं। अभी फ्री सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, पहली चीज है ना, उसको उस सर्विस प्रोवाइडर के पास सपोज कोई एजेंसी गई और उन्होंने बोला कि मुझे डेटा चाहिए, तो अब उसको अगर बिजनेस करना है आपसे, तो कुछ बिजनेस मिला नहीं उसको, ठीक है, बिजनेस करना है तो अपना बिजनेस आपके लिए तो बंद नहीं कर सकता है कि नहीं, वी विल नॉट प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। मीन्स लॉजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि वेन यू गो विद द पेड सर्विसेज, और पेड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि आप उस कंट्री के उसमें जाओ जहाँ पे प्रॉक्सी सर्विस प्रोवाइडर डू नॉट मेंटेन एनी लॉ, मतलब उनका डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या है, क्या वो यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या नहीं करते। अभी जैसे आपको पता चल गया है कि देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, राइट, दे डू नॉट मेंटेन लॉग ऑफ एनी डेटा, इट्स गुड फॉर हैकर, इट्स गुड फॉर हैकर, राइट। तो फिर आप वही प्रॉक्सी यूज करोगे, राइट। इसलिए कभी भी कोई भी सर्विस आपको यूज करना है, तो पहले उसका डीप रिसर्च करो, उसके बाद, ऐसे ब्लाइंडली नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर में आपको बताया गया कि ये प्रॉक्सी यूज करना और उसके थ्रू, अगर आप, ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको हैकिंग करना है या अटैक करना है, आई एम सेइंग दैट कि आप रिसर्च का मतलब क्या होता है कि अभी मैं जैसे लेवल, अभी जैसे जो अभी बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। इट मीन्स देर इज अ नॉट 100% गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, मतलब वहां पे आपकी आईपी की इंफॉर्मेशन फिर भी रिवील हो सकता है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, राइट। तो देखो यहाँ पे फ्री प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट, ठीक है। अब देखो ये आईपी एड्रेसेस है, प्रॉक्सी आईपी एड्रेस, ठीक है, ये फ्री वाले कौन से हैं, फ्री, यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये है आईपी एड्रेस प्रॉक्सी, ये उसका पोर्ट नंबर है, हर प्रॉक्सी आईपी के साथ पोर्ट नंबर होता है। अभी ये कंट्री कौन सा है, आईटी, राइट, सम, राइट, ESPL एंड ऑल, ये शॉर्ट फॉर्म है कंट्रीज के। एंड प्लस इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, एनोनिमिटी लेवल देखो इनका क्या है, लाइट, मतलब वेरी हाई एनोनिमिटी, राइट, एनोनिमिटी। अभी सपोज आपको इसमें से ये प्रॉक्सी यूज करना है, लेट्स टेक एग्जांपल, यू वांट टू यूज दिस प्रॉक्सी, राइट, इसका इसका पोर्ट नंबर क्या है, 567। अगर ये प्रॉक्सी कहीं पे यूज हो रहा है तो फिर आपके यहाँ पे वर्क नहीं करे, तो ये मैनुअल सिलेक्शन ऑफ प्रॉक्सी थोड़ा टीडियस जॉब, कई बार लकली आपको मिल गया वर्किंग तो फर्स्ट वाला ही चल जाएगा, नहीं तो फिर यू हैव टू ट्राई, हिट एंड ट्रायल मैथड यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गया और आई हैव जस्ट गॉन हेयर इन द सेटिंग सेक्शन, ब्राउजर पे कैसे प्रॉक्सी लगाते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, राइट, एंड गो टू प्रॉक्सी, ओपन दिस प्रॉक्सी सेटिंग, यूज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड
करता हूँ, 5 6 7 8, 5 6 7 8, सेव कर दो उसको, डन। राइट, अब आप यहाँ पे जाओ एंड यूज google.com, यूज व्हाट, google.com। इफ दिस वर्किंग प्रॉक्सी, तो उस केस में उस कंट्री का गूगल ओपन होगा जिस कंट्री का प्रॉक्सी आईपी एड्रेस। तो मैं तो स्लो है, आप देख सकते हैं रिस्पांस नहीं आ रहा है उसका, है ना, मतलब google.com, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समथिंग रॉन्ग विद द प्रॉक्सी, समथिंग रॉन्ग विद द प्रॉक्सी, ओके ठीक है, चलो दूसरा प्रॉक्सी यूज कर लेते हैं। तो जैसे ये एक साइट है जहाँ पे प्रॉक्सी की लिस्ट आप ले सकते हैं, तो एक पहले मैं आपको samair.ru/proxy, ये एक रशियन साइट है जो प्रॉक्सी के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इस पे भी प्रॉक्सी लग गया होगा बिकॉज हमने वो सिस्टम लेवल प्रॉक्सी लगा दिया। तो देखो अभी सिस्टम लेवल जब प्रॉक्सी लगाते हो ना, तो सारे ब्राउजर के केस में सेम प्रॉक्सी अप्लाई होता है, राइट। देखो यहाँ पे, तो ये है सिस्टम लेवल प्रॉक्सी, जो सिस्टम एक होता है ब्राउजर में जो प्रॉक्सी आप लगाते हैं, हाँ जैसे मोजिला है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। देखो यहाँ पे अगर मैं गया सेटिंग ऑप्शन में, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाते हो कहाँ पे, एडवांस सेक्शन में, और एडवांस सेक्शन में अगर आप सिस्टम में जाते हो, यहाँ पे देखो आप ओपन योर कंप्यूटर प्रॉक्सी सेटिंग, ये है कंप्यूटर प्रॉक्सी, एंड अभी देखो ये क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, राइट। इफ यू ट्राई टू गो हियर, तो यहाँ पे प्रॉक्सी सपोज आपको देखना है, यहाँ सेटिंग में आप गए, यहाँ पे आपने प्रॉक्सी सेटिंग, ये प्रॉक्सी किसका है, ब्राउजर का है, दिस इज कॉल्ड ब्राउजर प्रॉक्सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी जैसे न्यू आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सो वी हैव सपोज दिस आईपी एड्रेस, लेट्स टेक एग्जांपल, 8080 is the proxy port. Got it? Okay. अब इसको आप ओके करिए। google.com is a best verification method because फिर वो Google भी उस कंट्री का ओपन हो। कुछ प्रॉक्सीज बहुत फास्ट होते हैं, अभी जैसे प्रीमियम जो प्रॉक्सीज है पेड वन, वो तो 100% वर्किंग ही मिलेंगे। ये फ्री का मतलब क्या हुआ कि आप हमारे आप जैसे बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु आर एक्सेसिंग द प्रॉक्सी, राइट, मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्सेसिंग प्रॉक्सीज एंड दे आर लाइक यूजिंग। तो कोई प्रॉक्सी सर्वर अगर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, तो फिर उसी को सेम और दूसरा कोई यूज नहीं कर पाता है, इसलिए आपको ये रैंडमली चूज, मतलब आपको ऐसे थोड़ा सा टाइम दे के सिलेक्शन करना होता है। बट ये प्रोसेस जो है ब्राउजर पे, मतलब प्रॉक्सी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है। देखो यहाँ पे इट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड प्रॉपरली, राइट, सो इफ आई गो विद अनदर प्रॉक्सी, बट ये जो प्रॉक्सी ब्राउजर पे हम लोग लगाते हैं, तो ब्राउजर पे प्रॉक्सी लगाने का मतलब सिर्फ उस ब्राउजर के लिए एप्लीकेबल हो, और सिस्टम पे जो प्रॉक्सी लगाते हो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्राउजर, अंडरस्टूड। सिस्टम मतलब सिस्टम सेटिंग में जाके और प्रॉक्सी इनेबल करना हुआ, अभी ये जो प्रॉक्सी मैं लगा रहा हूँ दिस इज अ फॉर ब्राउजर, अगेन गो हियर एंड ट्राई टू एक्सेस google.com,
सो दिस रिक्वायर्स टाइम, यू नो, ये इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए इसमें एक एक प्रॉक्सी आईपी के साथ, हर प्रॉक्सी के साथ एक पोर्ट नंबर होता है, प्रॉक्सी आईपी के साथ पोर्ट नंबर, तो आपको मैनुअली वो इस तरीके से यूज करना होगा। कुछ प्रॉक्सीज आपको बहुत ही फास्ट मिलेंगे, जो गूगल जैसे अभी इतना टाइम लग रहा है, वो बहुत फास्ट कोई भी साइट आप एक्सेस करना चाहो, उस केस में फिर आप जो भी ब्राउजिंग एक्टिविटी करोगे वो सामने वाले को वो आईपी के थ्रू हो, वो प्रॉक्सी आईपी के थ्रू हो, ठीक है। तो इसकी जगह पे अगर आपको ऐसा कोई सलूशन चाहिए कि जहाँ पे आपको ऐसे मैनुअली प्रॉक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, है ना, ऐसा कोई टेक्निक यूज हो जहाँ पे अपने आप मतलब प्रॉक्सी भी सेट हो जाए, वीपीएन भी ऑन हो जाए, है ना, ये मतलब ये मेथड तो आपको पता होना चाहिए, दिस मेथड यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट। देखो यहाँ पे प्रॉक्सी फॉर फ्री, अभी जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइट्स मिलेंगे जो प्रॉक्सी से रिलेटेड है, मतलब जो आप देखो ये साइट, जैसे ये साइट क्या है, proxysite.com, इसके अंदर जो भी यूआरएल आपको डालना है अभी ये तो ये google.com जैसे ओपन करना है फॉर एग्जांपल, बट ये इतने ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आपको यूज करना है, ठीक है, यूज मतलब आप प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे google.com की, मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे 100% हाइड होगा ऐसे जरूरी नहीं है। अभी आप देखो कौन से कंट्री का ये ओपन कर रहा है, देख रहे हैं समथिंग एल्स, लैंग्वेज कुछ तो अलग ही है, ट्रांसलेट फ्रांस, देखो फ्रांस, है ना। अब इसके थ्रू अगर तुम कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो ये उस आईपी के थ्रू होगा, मतलब आप अभी प्रॉक्सी के थ्रू कनेक्ट हो गए, ठीक है, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी ऑथेंटिक मेथड, राइट। अभी जैसे ब्राउजर पे भी जो आईपी आप लगा रहे थे प्रॉक्सी के, तो वो आईपी भी उनकी कैटेगरी किस टाइप की है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, इलाइट प्रॉक्सी, एनोनिमस प्रॉक्सी, अभी देखो यहाँ इसमें क्या होता है कि आपको ये जैसे मैंने बताया कि फ्री प्रॉक्सी सबसे पहली चीज के इतने ट्रस्टेबल नहीं, ठीक है, फ्री जो है, just one second, huh? The proxy having the different categories, right? What is that different category? That's what we are trying to understand here. So samair.ru/proxy, ये आपका ये है एक रशियन साइट है जहाँ पे प्रॉक्सी की लिस्ट आपको मिलेगी। You can go like this and you can see यहाँ पे category दिखेगा, anonymous, elite, देख रहे हैं, है ना, anonymous, elite, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे proxies हैं, तो ऐसे categories दिखेंगे, तो इसमें से जैसे कोई भी एक आपने लिया फिर उसको आप try किए use करने का, है ना, and if it is working then it's okay, otherwise you can move to next one, right? तो ये इस तरीके से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्रीमियम प्रॉक्सी का भी ऑप्शन है, देख रहे हैं, डिटेल एंड प्राइजेस फॉर यूएसए आईपी फॉर 30 डेज, $4.995, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली एज वेल, ठीक है, आप किसी भी कंट्री का प्रॉक्सी आप चाहिए तो यूज कर सकते हो, और इनका जो फुल्ली एनोनिमस, एनोनिमिटी लेवल जो है इसका क्या है, लाइट है, ठीक है, एंड आईपी एड्रेस कितने दे रहा है आपको उसमें, फ्री, ठीक है, यस, two different subnet, so this is called premium proxy, premium proxy is means paid proxy. ab main aapko kuch aise method bataunga jo aapko help karega aapke system se by default, agar aap chahte ho ya koi hacker ko agar plan karna hai ki har ek activities meri ek particular channel ke through hona chahiye,
बाय डिफॉल्ट वो आपके सिस्टम में सेटअप होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हर बार प्रॉक्सी लगा के ही एक्टिविटी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, कई बार हम भूल जाते हैं, है ना, और कुछ एक्टिविटी किए। लेट्स टेक एग्जांपल एज एन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं बाय डिफॉल्ट टॉर को ही एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर बना दूं कि कोई भी ब्राउजिंग एक्टिविटी करना है किसके थ्रू करना है, टॉर के थ्रू, राइट। या फिर सपोज आपके पास टॉर इज नॉट योर चॉइस, तो आप चाहते हो कोई भी ब्राउजर मैं यूज करूँ बट एक वीपीएन के थ्रू वो कम्युनिकेशन हो, राइट। तो उस केस में आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। क्या सॉल्यूशंस हैं? ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट इज द सॉल्यूशन वी हैव। देखो क्या क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि प्रॉक्सी का वर्किंग देखो कैसे होता है। अब जैसे फ्री प्रॉक्सी आपने सर्च किया, फ्री प्रॉक्सी से रिलेटेड बहुत सारी साइट्स हैं। प्रॉक्सी चेनिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे मल्टीपल प्रॉक्सी यूज किए जाते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, है ना। तो ये देखो इस तरीके से होती है चेनिंग। अभी सपोज आपका एक जनरल जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे अटैक हुआ, अटैक किससे हुआ, इससे हुआ, राइट। तो इसके पास डिटेल किसका होगा, इसका होगा। इसके पास किसका डिटेल है, इनका है, और इसके पास किसका डिटेल है, हैकर का। तो आपको ये ट्रेस बैकिंग करने के लिए रिवर्स बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा प्रॉपरली, तो ही आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं, राइट। उसको बोलते हैं प्रॉक्सी बाउंसिंग और प्रॉक्सी चेनिंग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रॉक्सी बाउंसिंग और प्रॉक्सी चेनिंग, राइट। अब प्रॉक्सी चेनिंग कॉन्सेप्ट जो है इसमें एनोनिमिटी, जो हाई एनोनिमस या एलाइट प्रॉक्सी जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। ट्रांसपेरेंट जो हम बोलते हैं वहाँ पे एक ही प्रॉक्सी आईपी यूज होता है आपके और टारगेट के बीच, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है प्रॉक्सी चेनिंग का ये ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे अभी आपने देखा मैनुअली जब हम लोग प्रॉक्सी सर्च कर रहे थे, सो सम प्रॉक्सी लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉक्सीज आर नॉट वर्किंग वन, और उसमें से अगर इतना टाइम है आपके पास तो फिर आप एक एक करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉक्सी स्विचर करके एक टूल है, ये पेड टूल आता है, ये ऑटोमेटिकली आपको नए नए प्रॉक्सी पे स्विच करता रहता है। प्रॉक्सी स्विचर में इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपने एक मूवी देखा होगा हिंदी मूवी द वेडनेसडे, है ना, उसमें उसमें वो प्रॉक्सी चेंज होता रहता है। हैकर एक आता है वहाँ पे, है ना, तो बोलता है किसका डिटेल। अभी एक साउथ की कौन सी मूवी थी उसमें भी था, है ना, कौन सा था वो, दैट नॉट स्पाइडर, एक मूवी अच्छी आई थी। नहीं मैं वो रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग देखे होंगे तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ था द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, ओके। So उसमें क्या होता था कि क्विकली लोकेशन चेंज हो रहा है, हर बार जब आप ट्रैक करते हो तो लोकेशन आपका चेंज हो जाता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी से आप ऐसा कर सकते हो, मतलब ये टूल जो है आपको कंटिन्यूसली आप ऐसा सेटअप कर सकते हो कि हर मिनट में वो नए नए आईपीज को चेंज कर, उसको बोलते। अभी आपको अगर वीपीएन चाहिए, ऐसा वीपीएन सॉल्यूशन चाहिए जो एक बेटर हो और ट्रस्टेबल हो, दे डू नॉट मेंटेन द लॉक, राइट। तो देखो एथिकल हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हर चीज़ को सोचोगे, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे आपको आंसर हर एक उसमें मिलेगा। हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप सोचिए, फिर उसके बाद एथिकल हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचिए, ठीक है। अभी वीपीएन हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि इंटरनेट इज नॉट अ सेफ प्लेस एंड द कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग फ्रॉम माई सिस्टम टू द टारगेट सिस्टम मे बी इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे आजकल आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ओवर इंटरनेट वो कम्युनिकेशन थोड़ी करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है बट हाईली प्राइवेट, राइट। तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टनल क्रिएट करना है, लॉजिकल टनल जो सिक्योर हो, इनक्रिप्टेड हो, इनक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम है वो इतना टॉप लेवल का होना चाहिए कि जो आज तक क्रैक ही नहीं हुआ, ठीक है। उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होनी चाहिए इतनी हाई होनी चाहिए
कि अगर किसी को वो कम्युनिकेशन तो साइफर टेक्स्ट में डेटा मिल भी गए तो उसको डिक्रिप्ट ना कर, राइट। तो यहाँ पे देखो एक वीपीएन है विच इज कॉल साइबर घोस्ट, साइबर घोस्ट, ये वाला देख रहे हैं साइबर घोस्ट, इसका आप यूज कर सकते हैं। टॉर तो है ही आपके पास जिसका यूज करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे एक है हॉटस्पॉट शील्ड, ये भी पेड वीपीएन में आता है। फिर आपका नॉर्ड वीपीएन है, एक्सप्रेस वीपीएन है, ठीक है। आप ऐसे अगर सर्च करो टॉप 10 वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर फॉर हैकर, तो आपको टॉप 10 में बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। वो क्यों सर्च करना है आपको, बिकॉज उसके उसके पीछे का लॉजिक भी है ना। वीपीएन मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ वीपीएन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनोनिमस वीपीएन, दोज हु कैन प्रोटेक्ट, राइट। तो वीपीएन VPN for hackers, देखो यहाँ पे 8 best VPN for hackers, ऐसा कुछ लिस्ट आ जाता है। अच्छा, इनका इनको अगर आप सही तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो कौन कौन से हैं, एक्सप्रेस VPN है, नॉट VPN है, और सर्फशार्क है, एक प्राइवेट VPN है ना, और साइबर घोस्ट है, अभी जो देखा आपने, आईपी वैनिस है, प्योर वीपीएन एंड यूआईपीआर वीपीएन। अच्छा, ये जो है ये क्यों सिक्योर है, बिकॉज यहाँ पे देखो, फॉर इयर्स द बेस्ट वीपीएन फॉर हैकर वॉज टूल कॉल्ड एक्सप्रेस वीपीएन वेबसाइट वर्क बाय अलाउंग यू टू क्रिएट नंबर ऑफ वेबसाइट अकाउंट ऑन डिफरेंट सर्वर ईच वन यूज्ड बाय द सेम वीपीएन प्रोवाइडर। You are able to add multiple website setting to your internet browser. This will allow you to surf the internet using different IP to make it seems as through you are online from completely different location. By using this method of internet surfing, anyone who knows your IP address can track you down and steal your personal detail, including your financial detail and credit card, etc. इसलिए आप इसका यूज करके तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। प्लस हैकर के लिए क्यों बेनिफिशियल है, यहाँ पे अगर देखोगे इनका वर्किंग, तो ये क्या करते हैं, ये लॉक्स को मेंटेन नहीं करते, मतलब जो भी कम्युनिकेशन इनके थ्रू हो रहा है उसका डिटेल ये सेव नहीं कर सकते करते, इसीलिए फेमस है, हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फेमस। कोई अगर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज करेगा तो ये नहीं करेगा, ये दिस वीपीएनस आर नॉट फॉर डूइंग सिक्योर कम्युनिकेशन, इसमें डिफरेंस समझना। सिक्योर कम्युनिकेशन अगर आपको करना है, एक तो आप एक ऐसे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे जो लॉक्स को प्रॉपरली मेंटेन करता है। कल अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो मुझे लॉग नहीं मिलेगा तो मैं उसको ट्रेस बैक कैसे करूंगा, या फिर हाउ विल वी नो कि व्हाट टाइप ऑफ अटैक हैपन, राइट, एंड वेयर फ्रॉम व्हाट अटैक हैपन। तो जेन्युइन आपको वीपीएन यूज करना है तो उसके लिए दूसरे हैं, बट आप ऐसा वीपीएन यूज करना चाहते हो जो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है। हैकर का कंसर्न क्या है कि उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होना चाहिए, हमारा कंसर्न क्या है एज एंड यूजर कि हमारी इंफॉर्मेशन मेंटेन होनी चाहिए, सो दैट बाद में वो हमको हेल्पफुल होगा कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, या फिर लॉग एनालिसिस के लिए, ट्रैस बैकिंग के लिए, राइट। तो इसलिए तो ये सब हैकिंग वाले वीपीएन। तो अगर मैं यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग, ठीक है, आल्सो यू द वर्किंग ऑफ दैट। देखो मेरे पास यहाँ पे हॉटस्पॉट शील्ड का ये सेटअप है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। लेट्स गो अहेड। हॉटस्पॉट शील्ड ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप वीपीएन सॉफ्टवेयर है, इसको आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो, इसको आप सिस्टम पे भी यूज कर सकते हो, और डाउनलोडिंग करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नॉट वीपीएन, हॉटस्पॉट शील्ड, राइट, एंड साइबर घोस्ट। अब जैसे ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली एनी एप्लीकेशन विच इंस्टॉल इन योर सिस्टम आल्सो क्रिएट अ डेटाबेस इनसाइड द सिस्टम। कोई भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर भी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो अगर सिस्टम
सिस्टम लेवल पे भी फॉरेंसिक किया जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो जो पोर्टेबल एप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट रन हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में टेल्स के बारे में बताया था, टेल्स एक एक लाइव ओएस है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो पेनड्राइव के थ्रू, और फिर टेल्स में जाने के बाद डायरेक्टली आपको वहाँ पे टॉर मिल जाएगा, मतलब अलग से आपको डाउनलोड करना और ये सब करने की जरूरत नहीं। और फिर उसके थ्रू आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसका कोई रिकॉर्ड सिस्टम में मेंटेन नहीं होता। जैसे अभी मैं हॉटस्पॉट शील्ड को इंस्टॉल, हाँ हमारा कम्युनिकेशन सेफ होगा, बट कल अगर किसी को मेरे सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना है कि मैंने हॉटस्पॉट शील्ड का यूज करने के लिए मतलब यूज किस लिए किया है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाली जा सकती है। एवरी एप्लीकेशन विच गेट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम दैट क्रिएट मल्टीपल एंट्री इनसाइड आवर सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में रजिस्ट्री के अंदर उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्टार्टअप है ना, आपके सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती हैं, फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो वो किस लिए क्रिएट होते हैं, वो कुछ डेटा होल्ड करते हैं, दैट इज ऑल्सो होल्डिंग अ डेटा। अगर आप एज ए इन्वेस्टिगेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अप्लस जैसे मैं अभी इंस्टॉल किया ये एप्लीकेशन पे मैंने इंस्टॉल, इसको मान लो अभी इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद सपोज इस पे मैंने कोई अकाउंट क्रिएट किया, मैंने आईडी पासवर्ड डाला, अब जब ये सिस्टम ऑन है तो इसके रैम के अंदर वो जो स्टार्टिंग डाउनलोडिंग से लेके और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक जितनी एक्टिविटी मैंने किया उसका पूरा डिटेल रैम पे स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होता है, रैम। सपोज उसी समय कोई यहाँ पे है और उन्होंने मेरे सिस्टम का अब कंट्रोल में ले लिया और मैं शट डाउन नहीं कर पाया, शट डाउन कर देते तो फिर रैम का डेटा नहीं मिलता, राइट। शट डाउन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, ऑन स्टेटस जो सिस्टम का था उस समय उन्होंने वोलाटाइल जो डेटा है उसको कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद सिस्टम बंद भी कर दिया तो वो डेटा तो आ गया। अब मैंने क्या क्या किया उस सिस्टम पे वो सब उनको मिल जाएगा उस समय जब से सिस्टम ऑन हुआ और अभी तक, गॉट इट। तो अब देखो ये जो है ये आपका है वीपीएन, इसमें प्रीमियम भी है और देयर इज अ बेसिक वन। तो प्रीमियम के साथ अगर जाते हो 7 डेज का ट्रायल भी है। चलिए प्रोसीड विद बेसिक, डिक्लाइन द ऑफर, कनेक्ट टू वीपीएन, कनेक्ट टू वीपीएन। तो अभी कनेक्ट टू वीपीएन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इट विल स्टार्ट कनेक्टिंग, बट बिफोर दैट लेट मी चेक व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो गो विद व्हाट इज माय आईपी, व्हाट इज माय आईपी, व्हाट इज माय आईपी अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस आप देख सकते हो, पुणे महाराष्ट्र हाथवे इंटरनेट कनेक्शन ब्ला ब्ला इज देयर, इजंट इट, राइट, 116.75.14.68, गॉट इट। ये है एक्चुअल आईपी एड्रेस, बट अभी मैंने अगर इसको ऑन किया तो क्या ये आईपी एड्रेस चेंज होगा, यस। You guys are able to hear me? Because अभी थोड़ा स्विच हुआ, कनेक्शन स्विच हुआ, तो is that voice is clear? Yes, sir. Okay, now you guys can see if I go and just refresh here, what is the location? Washington DC, United States. This is the IP address. My public IPv4 address actual ये था पहले, है ना, नहीं ये नहीं था, अलग था, अलग था, ये अभी का है, ये IPv6 एड्रेस है और IPv4। अब आप यहाँ से जो भी एक्टिविटी करोगे ये इसके थ्रू होगा VPN के, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस ब्राउजर, एनी ऑफ द ब्राउजर इफ यू यूज यू विल बी गोइंग अहेड विद दैट। यूनाइटेड किंगडम, अभी देखो ये ब्राउजर कहाँ सा, UK, राइट। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉक्सी थिंग्स लाइक VPN थिंग्स वर्क। अभी ये आपके सिस्टम में अगर आपने इसको इंस्टॉल कर दिया तो स्टार्टअप में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा अपने आप ही ऑन हो जाएगा और आप बाय डिफॉल्ट इसके थ्रू सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड VPN सर्विस। अच्छा इसके इसका बेनिफिट क्या है कि इसके थ्रू आप बैंडविड्थ वगैरह कितना आपने यूज किया है ना, और उसका
लोकेशन अभी का क्या है एंड ऑल यू कैन चेक एंड देयर आर मेनी अदर सेटिंग विच यू कैन डू. अभी जैसे मैं इसमें बेसिक वाला वीपीएन यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे स्मार्ट वीपीएन वगैरह का भी ऑप्शन है, बाईपास वीपीएन फॉर सेलेक्टेड ऐप्स एंड वेबसाइट. मतलब कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, किस किस एप्लीकेशन को वीपीएन के थ्रू जाना है और कौन कौन से नहीं, राइट? तो वो सेटिंग भी आप कर सकते हो. प्रोटोकॉल क्या होगा वो सेटिंग कर सकते हो. एडवांस में जाके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो यू गाइस कैन, सो व्हेन यू हैव द प्रोफेशनल वन देन यू हैव द राइट टू डू चेंजेस हियर ऑन, राइट? अदरवाइज आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपको मिल रहा है वो बाय डिफॉल्ट आप यूज करें. इसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट सिल्ट. हॉटस्पॉट सिल्ट यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डिसकनेक्ट. करो देखो कहाँ गूगल आता है, हिंदी मराठी एंड इंडिया. सो नाउ यू कैन सी ऑल दिस इज आर गूगल, इंडियन गूगल, राइट? सो दिस इज हाउ वीपीएन कैन हेल्प यू. तो आप जब वीपीएन लगाते हो तो उसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपका हर एक ट्रैफिक उसके थ्रू रूट हो. बाय डिफॉल्ट कोई एप्लीकेशन के थ्रू कोई इंटरनेट एक्टिविटी आप कर रहे हो या ब्राउजर के थ्रू आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वाया दैट वीपीएन इट इज गोइंग टू हैपन. दैट्स ऑल्सो गुड सिक्योरिटी, राइट? और कुछ जैसे वहाँ पे स्मार्ट वीपीएन का मतलब देर इज ऑप्शन कि सम एप्लीकेशन विच यू हैव इन योर सिस्टम जो आप नहीं चाहते कि वीपीएन के थ्रू कम्युनिकेट करें, तो उसको आप वीपीएन में एक्सक्लूड कर सकते हैं. आप जिन जिन एप्लीकेशन को वीपीएन के थ्रू ही कम्युनिकेट होना चाहिए, जैसे ऑफिशियल लैपटॉप वगैरह जो होते हैं कंपनीज के, वहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यू जब भी उससे कोई कम्युनिकेशन करना है इट गोज थ्रू वीपीएन ओनली. ऑफिशियल वीपीएन इज देयर, राइट? एंड इट कम्युनिकेट थ्रू वीपीएन ओनली. सो बिकॉज दैट इज अ सिक्योरिटी, दैट इज वॉट सिक्योरिटी. तो वीपीएन और टॉर में क्या डिफरेंस है, बेसिक कोई एक डिफरेंस? ओके, सो देर आर मेनी डिफरेंस, देर आर मेनी. टॉर के केस में पहली चीज कि आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है आपके और टारगेट सिस्टम के बीच में, उस बीच में बहुत सारे आईपी एड्रेस इन्वॉल्व, नंबर वन. नंबर टू, टॉर के थ्रू आप कोई भी कम्युनिकेशन इवन इनसिक्योर वेबसाइट के थ्रू भी कर रहे हो तो भी टॉर उसको सिक्योर करके ही यूज कर, मतलब इनक्रिप्टेड, राइट? दूसरी चीज, टॉर कोई एक सेंट्रलाइज्ड ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ से आपको लॉग मिलेगा. वीपीएन के केस में वीपीएन वाले के पास सब कुछ रहेगा, है ना? तो टॉर के केस में एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा हाई है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंश्योर्ड कि आपका डेटा टॉर डिस्क्लोज नहीं करे. वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के केस में बिकॉज दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, और उनको एक पर्टिकुलर बींग एन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशन, अदरवाइज देयर मे बी सर्विसेज विल बी डिसकंटिन्यू, राइट? सिंपल सा लॉजिक है. और लेकिन टॉर को क्या है, अभी बहुत सारे कंट्रीज में टॉर जो है बैंड है. चाइना में टॉर अलाउड नहीं, ठीक है? रशिया में टॉर आई थिंक नहीं. आप वैसे लिस्ट देखोगे सेंसर्ड कहाँ पे है टॉर तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो क्यों उन्होंने डिसअलाउ करके रखा है कि मतलब जैसे अभी इंडिया में हम लोग टॉर डाउनलोड करना इंस्टॉल करना ये होता है, ठीक है? उनका ऑफिशियल साइट वगैरह पे जाके हम डाउनलोडिंग कर सकते. अगर सेंसर्ड का मतलब क्या होता है, वो ऑफिशियल साइट को ही हमने ब्लॉक कर दिया है, मतलब यू वोंट बी एबल टू डाउनलोड, मींस देयर सर्विस इज नॉट अवेलेबल, राइट? तो ऐसा है कुछ उनके चाइना वगैरह में. क्यों नहीं वो यूज करते, बिकॉज उनको पता है कि इसका यूज करके ज़्यादा इलीगल ही एक्टिविटी होती है. लीगल एक्टिविटी के लिए टॉर यूज नहीं किया जाता, मोस्टली क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज, राइट? तो मैंने वो दिखाया था आप लोगों को टॉर का हिस्ट्री क्या है, है ना? और कितनी सारे चीजें आप कर सकते हैं टॉर के थ्रू. फाइन, सो द यू हैव सीन दैट वीपीएन कॉल हॉटस्पॉट सिल्ड, है ना? साइबर
साइबर घोस्ट इज आल्सो देयर। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये सिस्टम पे तो ठीक है बट आजकल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी हम लोग मोबाइल के थ्रू करते हैं, तो कोई ऐसा टूल जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन को सिक्योर, नॉट सिक्योरिंग द मोबाइल डिवाइस। एक प्रोफेशनल मेरे पास आए थे, काफी सीनियर थे, ही वाज अ 10 प्लस ईयर इनटू आईटी, तो ही केम जस्ट फॉर ट्रेनिंग ओनली, राइट। सो ही सेड कि सर माय मोबाइल इज, ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल बहुत सेफ सिक्योर है। मैं बोला कैसे, उन्होंने बोला कि सर ये देखो एक एप्लीकेशन मैं यूज करता हूं जिसकी वजह से मेरा डिवाइस सिक्योर है। मैंने बोला किसने बोला आपको, तो उनको मतलब जैसे आजकल बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप सेमिनार्स होते रहते हैं, अब वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन कई बार हो जाता है। सामने वाला हो सकता है बताया हो कि इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते, बट उन्होंने क्या सुना कि इसके थ्रू डिवाइस सिक्योर है, ठीक है। सो ही वॉज यूजिंग इट फ्रॉम मेनी ईयर्स एज अ कि दैट मोबाइल इज अ फुल्ली सिक्योर, राइट। सो दैट इज नॉट फॉर सिक्योरिंग योर डिवाइस, दैट इज फॉर सिक्योरिंग योर कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हो तो और बॉट करके एक एप्लीकेशन है जिसको आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और बॉट ये टॉर का ही है, टॉर का ही प्रोजेक्ट है जो और बॉट है, जिसके थ्रू आप वीपीएन के साथ टॉर यूज कर सकते हैं। यस, वीपीएन के साथ, तो कौन सा एप्लीकेशन है, और बॉट। देख रहे हैं और बॉट फॉर एंड्रॉइड, this is the icon, you can just get it in your phone, you can install it and just start it, ठीक है। तो इसके थ्रू पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन आपका टॉर के थ्रू होता है, राइट। तो ये मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ हैकिंग पर्पस के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए भी है। अभी आप इसके थ्रू जब भी कोई कम्युनिकेशन करोगे तो आज के डेट में आपको ये पता है, ये क्यों जानना है और बॉट। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इसके थ्रू लोग क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज के रेट में सबसे बड़ा चैलेंज एवरी इंडिविजुअल हैव दैट प्राइवेसी चैलेंज, राइट। सो वी नो दैट कि देयर इज नो प्राइवेसी, मतलब हमारी जो भी एक्टिविटी है सब कुछ मॉनिटरिंग होता है, एवरी इंटरनेट एक्टिविटी इज बीइंग मॉनिटर्ड, राइट। उस केस में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके को प्राइवेसी चाहिए एंड यू डोंट वॉन्ट कि हर चीज़ मॉनिटर हो, तो उस केस में आपके पास टॉर है और बॉट है, वीपीएन सॉल्यूशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो और बॉट सिक्योर्स योर ऑल द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, योर मैसेज, योर चैट, यस एब्सोल्युटली, व्हाटएवर गोस टू यू फ्रॉम योर मोबाइल, यस। दिस इज फॉर एंड्रॉइड, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ सच थिंग फॉर आईओएस आल्सो? या या, इट इज आल्सो फॉर आईओएस, iOS के लिए भी ये मिल जाएगा आपको, बट उसके इसमें पेड रहे। सो iOS के लिए भी ये अवेलेबल है उसके इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, नाउ वी कैन सी। सो ये भी कुछ यहाँ पे टूल्स है, प्रॉक्सी ड्रॉइड इज देयर, प्रॉक्सी मैनेजर इज देयर, शैडो सॉक्स इज देयर, राइट, एंड प्लस प्लस और बॉट इज देयर, जो आप और बॉट ज़्यादा रिलायबल है, बेटर है, उसका आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप एनोनिमाइजर मतलब मैंने आपको बताया ना, वो साइट डायरेक्टली जो साइट के थ्रू आप वो साइट के अंदर से जाना है, वहाँ से आपको ब्राउजिंग करना है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉक्सी भी लगाने की जरूरत नहीं, बट वो रिलायबल नहीं है, मतलब वो खुद वो साइट्स भी सोर्स ऑफ मैलवेयर है, मतलब उस साइट पे जाना भी आपके लिए रिस्की है, उसको यूज करने की बात ही नहीं है, इसलिए उस पे नहीं जाना है आपको। आपको यूज करना है अगर, तो आप वीपीएन यूज करो, टॉर यूज करो और बॉट यूज करो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आपका ये है टेल्स, टेल्स के बारे में तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि टेल्स क्या है, एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी ने चैट में बोला कि टॉप ब्राउजर इज देयर फॉर iOS जो टॉर का ही, ठीक है। यहाँ पे देखो आप टेल्स, टेल्स इज द लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अ यूजर कैन स्टार्ट ऑन एनी कंप्यूटर फ्रॉम डीवीडी, यूएसबी स्टिक और एसडी कार्ड। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें टॉर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब उसमें
बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, तो आप उसके थ्रू टॉर भी कर सकते हो, मतलब टॉर को रन कर सकते हो। उसमें क्या हो गया, ओएस का जो रिस्क फैक्टर है कि कुछ इंस्टॉल करो तो ओएस के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, तो जब आप लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम रन करोगे और उस पर टॉर यूज करोगे तो उस केस में ओएस की भी प्रॉब्लम गई आपकी, और ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है वो भी सेफ हो गया। पेन ड्राइव निकाल ले आप, उस लैपटॉप को अगर कोई इन्वेस्टिगेट भी करता है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलना। When something is getting stored in the hard disk, non-volatile memory के अंदर जब कोई चीज स्टोर होती है तो उसको बाद में हम डिलीट भी करते हैं, फॉर्मेट भी करते हैं, तो भी हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, है ना? डेटा रिकवरी कैन हैपन, राइट? बट लाइव के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं। तो एक दूसरा भी यहाँ पे है, इट्स अगेन अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स एंड रोबस्ट वेबसाइट सेंसर्स विद सर्कमवेंशन, मतलब ऐसी वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है जो अलाउड नहीं है, जैसे अभी टोरेंट की साइट्स हैं आपके यहाँ पे, बहुत सारी टोरेंट साइट डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर पाते, तो इनका यूज करके वो टोरेंट वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर द टूल्स विच इज फॉर बाईपासिंग द सेंसरशिप, सेंसर्ड कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस टाइप के टूल आपको हेल्प। अभी जैसे बहुत सारी कंट्रीज में YouTube अलाउड नहीं है, मतलब अरेबियन कंट्रीज में है, एक दो कंट्रीज हैं, अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा। और ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे और जो हर जगह पे अलाउड है, जैसे गूगल चाइना में अलाउड नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ठीक है? तो बट सेंसरशिप सर्कमवेंशन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट अलाउड है, यस इंटरनेट है, इंटरनेट है तो फिर सेंसरशिप का कोई लॉजिक ही नहीं होता। इंटरनेट का मतलब है कि फिर आप बाईपास कर सकते हैं। अभी इंडिया में बैठ के आपको यूएस का कोई प्राइवेट रेडियो चैनल और टीवी चैनल देखना है जो कि उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए ही है, जो यूएस आईपीज पे ही रन होता है, बट इंडिया में बैठ के मैं यूएस का प्रॉक्सी लगा के और यहाँ से वो सारे प्रोग्राम देख, इट मीन्स यू हैव बाईपास देयर सिक्योरिटी ना, हाँ राइट। तो अब जहाँ पे यूट्यूब अलाउड नहीं है, इस टाइप की टेक्निक का यूज करके, टॉर जैसे ब्राउजर का यूज करके आप यूट्यूब वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने सेंसर किया है जो कंटेंट, उसको एक्सेस करना इनलीगल कंसीडर किया है। बट देयर आर वे वी कैन यूज दिस गूगल इन चाइना बाय यूजिंग दिस प्रॉक्सीज, राइट? यस एब्सोल्युटली यू कैन, बिकॉज होता क्या है कि आप जब प्रॉक्सी लगाते हैं, आप जब वीपीएन यूज करते हैं, तो उस समय आपका जो आईपी यूज हो रहा है वो उस कंट्री का है जहाँ पे वो सर्विस अलाउड है, तो उस केस में फिर उस आईपी के थ्रू जब रिक्वेस्ट जाएगा तो वो उसको रिजॉल्व करेगा, उस डीएनएस से उसको वो एक्सेस कर पाएगा। अभी हम लोगों के यहाँ पे सपोज मैं डायरेक्टली विदाउट प्रॉक्सी विदाउट वीपीएन इफ आई ट्राई टू एक्सेस टोरेंट साइट्स, तो वो दिखाएगा आपको कि नहीं चलेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ब्ला ब्ला, द मैसेज विल कम, है ना? तो ऐसा है, तो सेंसरशिप सर्कमवेंशन, बाईपासिंग सेंसर्ड कंटेंट, एक्सेसिंग द सेंसर्ड कंटेंट, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं हुनिक्स, हुनिक्स भी आपका उसी पर्पस के लिए है, डिजाइन फॉर एडवांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मतलब ये ऐसे है जिसको आप जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आप सेफ कम्युनिकेशन कर सकते हो सिक्योर, और ये सिक्योर क्यों बोले जाते हैं, बिकॉज इसमें सिक्योरिटी वाले सारे एप्लीकेशन इनबिल्ट हैं और इनको आप लाइव भी यूज कर सकते हैं, लाइव। हाँ एंड सिफॉन इज आल्सो देयर। हेलो, या सर, ये जो प्रॉक्सी पे सर्वर्स कनेक्ट होते हैं, ये अभी हुई यूनिक से, ये इनके खुद के होते हैं या कौन से सर्वर से होता है कनेक्ट? तो क्या होता है कि ये तो डेस्कटॉप है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? ये ओएस लेवल पे आपको सिक्योरिटी दे रहा है, ऐसा नहीं कि ये आपको, जैसे अभी जो टेल्स मैंने बताया, ठीक है, तो टेल्स को मैंने सिक्योर क्यों बोला, बिकॉज वहाँ पे टॉर बाय डिफॉल्ट है और टॉर इज सेफ, टॉर को एक्सेस अगर आप करते हो, ठीक है? अभी हुनिक्स जो है, हुनिक्स पे जो एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, तो हुनिक्स क्या करता है, हुनिक्स वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा जो कंसीडर एज अ सिक्योर, इनका खुद का नहीं है, ठीक है? बट जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं,
अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, बट टू सिक्योर आर विंडोज कम्युनिकेशन वी आर ट्राइंग टू यूज ब्ला ब्ला सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी राइट. यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो चीजें आपको मिल जाती हैं, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड सिक्योर. दैट्स व्हाट अंडरस्टूड. नहीं मतलब सर वो आईपी कहाँ से ले रहे हो? अभी यूएस का, यूके का वीपीएन कनेक्ट किया है इस पे. जैसे यूनिक्स पे भी जाओगे ना तो वहाँ पे आपको टॉर मिलेगा, आपको ऐसे एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट उस ओएस के साथ मिलेंगे कि जब उनसे कनेक्ट करोगे तो वो जैसे अभी नॉर्मली हमने टॉर विंडोज पे इंस्टॉल करके कनेक्टिविटी किया, तो विंडोज के केस में क्या हुआ, टॉर को हमने लोकली इंस्टॉल किया. अब टॉर की डायरेक्टरी भी हमारे सिस्टम में स्टोर हुई, टॉर पे जो मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, सर्फिंग कर रहा हूँ, वो भी हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा. बट इसके थ्रू जब हम टॉर यूज करेंगे तो ये लाइव है. इस पे जो टॉर एक्सेस करूंगा मैं तो वो टॉर आपके ही सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट होगा जैसे नॉर्मल कनेक्शन होता है. बट वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होने के बाद वो कंप्लीट कम्युनिकेशन सिक्योर होगा, नंबर वन. नंबर टू, अगर किसी को सिस्टम लेवल पे कोई एनालिसिस करना है तो उस केस में उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, मतलब एज ए इन्वेस्टिगेटर इट्स वी आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल गेटिंग इंफॉर्मेशन. ऐसा आईपी एड्रेस तो आपको वही रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन आपका चेंज नहीं होगा ना, इंटरनेट कनेक्शन वही रहेगा, आपका प्लेटफॉर्म चेंज होगा. अभी जैसे काली आप यूज कर रहे हो, काली लिनक्स पे आपको बहुत सारे इनबिल्ट टूल मिल रहे हैं इसलिए आप काली यूज कर रहे हो. काली पे अगर सिर्फ एज ए लिनक्स होता है और ये हैकिंग वाले टूल नहीं होते तो आप क्यों यूज करते हैं राइट. द रेड हैट लिनक्स वी कैन स्टार्ट विद, उस पे अभी अभी काली जो टूल है, काली जैसा ही अगर मुझे दूसरे लिनक्स प्लेटफॉर्म को अगर कन्वर्ट करना हो तो उसमें वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो काली में है, तो वैसा ही वो काम करेगा. यू कैन यूज दैट, लोग करते हैं ऐसा कस्टमाइजेशन. तो आपका कम्युनिकेशन जो होगा होनिक्स के थ्रू भी अगर आप करोगे तो कम्युनिकेशन आपका कनेक्शन जो है इंटरनेट कनेक्शन वही यूज होगा. बट बेनिफिट क्या है, यहाँ पे वो जो लॉग सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है कि सामने वाले ने क्या डाउनलोड किया. अब देखो टॉर कनेक्ट करने से पहले टॉर को तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, उसका रिकॉर्ड भी सर्विस प्रोवाइडर के पास आ गया कि मैंने टॉर डाउनलोड किया. फिर उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया तो वो सारा रिकॉर्ड मेरे सिस्टम में भी आ रहा है. तो मतलब अगर देखोगे तो उसमें टॉर स्टार्ट करने के पहले ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल गई. इनके थ्रू आप जाते हो तो बेनिफिट क्या है कि ये लाइव रन हो रहे हैं, नंबर वन. हार्ड डिस्क से कोई इनका कनेक्शन नहीं है, रैम के थ्रू चल रहे हैं राइट. प्लस जब इसके थ्रू आपने कोई भी टॉर या दूसरे जो भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रन करते हो तो उनको डाउनलोड आपने नहीं किया, डायरेक्टली वो आपको मिल गए, तो उस केस में वो सारे लॉक्स आपके मेंटेन नहीं हो, तो एनोनिमिटी लेवल आपकी हाई हो गई हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो. अंडरस्टूड. इनका कोई ऐसा प्राइवेट इनका सर्वर नहीं, टॉर हैव देयर प्राइवेट सर्वर, टॉर हैव देयर प्राइवेट आईपीज राइट, जिनको आप यूज कर सकते. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनलाइन एनोनिमिटी इज रियलाइज्ड बाय फेलसेफ ऑटोमेटिक एंड डेस्कटॉप वाइड यूज फॉर द टॉर नेटवर्क. इट कंसिस्ट ऑफ हैवली रिकॉन्फिगर्ड डेबियन बेस दैट इन रन इनसाइड मल्टीपल वर्चुअल मशीन प्रोवाइडिंग अ सबस्टेंशियल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मैलवेयर एंड आईपी एड्रेस लीक्स. गॉट इट. ये भी टॉर ही यूज करता है. सिफॉन, सिफॉन क्या है, इट्स ओपन सोर्स एनोनिमाइजर सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अटैकर टू सर्व द इंटरनेट थ्रू सिक्योर प्रॉक्सी. मतलब एक तरीके से बाय डिफॉल्ट एक प्रॉक्सी प्रोवाइडर है जहाँ पे आप ब्राउजर पे प्रॉक्सी जो लगा रहे थे इसको यूज करके आप डायरेक्टली प्रॉक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब प्रॉक्सी आपका इनेबल हो जाता है और आप फिर मतलब ये भी एक वीपीएन जैसा ही है. सिफॉन इज ऑल्सो लाइक अ वीपीएन. अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे और बॉट है ना, ये और बॉट जो है आपका इसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनोनिमाइजर फॉर मोबाइल और बॉट, तो ये मोबाइल के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हमने नेटवर्क स्कैनिंग, स्कैनिंग टूल, होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट एंड सर्विस डिस्कवरी, होस्ट डिस्कवरी, स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस एंड फायरवॉल मींस फ्रेगमेंटेशन है ना, सोर्स रूटिंग एंड
प्रॉक्सिंग, स्पूफिंग, रैंडमाइजेशन, ये सब। अब लास्ट में आता है आपका ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम का मतलब क्या होता है? अभी सपोज आपको एज अ हैकर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, बट आपको समझना है कुछ नेटवर्क का जो टोपोलॉजिकल कनेक्टिविटी है वो कैसा है, कौन सा टोपोलॉजी यूज हो रहा है। इसमें एनमैप भी आप यूज कर सकते हो, एनमैप भी टोपोलॉजिकल व्यू दिखाता है, ठीक है। प्लस बहुत सारे जैसे और अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम का मतलब है कि अभी मैं सपोज कनेक्ट हो गया नेटवर्क से, और नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम और डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड, बट आपको कैसे पता चलेगा फायरवॉल यूज हो रहा है इस नेटवर्क में, IDS है या नहीं है, और कौन कौन से डिवाइसेस हैं, यू विल नॉट कम टू नो, राइट। तो इसलिए आपको, आपके पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि आप ऐसा कोई स्कैनिंग करो जिसमें एक लॉजिकल ग्राफिक, एक ग्राफ क्रिएट हो, लाइव ग्राफ। जैसे अभी आप पैकेट ट्रेसर यूज करते हो, पैकेट ट्रेसर को आप यूज कैसे करते हो, मतलब उसमें आपको ऑलरेडी अपने आप से जो भी रिक्वायरमेंट है डिवाइसेस ऐड करना है, और उनको हम वैसा एक 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 नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, लॉजिकल नेटवर्क, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो वो लर्निंग पर्पस के लिए आप यूज करते हो पैकेट ट्रेसर, राइट। तो वहाँ पे नेटवर्क का डायग्राम आप खुद से बनाते हो। ये डायग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे वो जो लाइव नेटवर्क है उसी को ICMP पिंग करके और डायग्राम बनाता है कि आपके नेटवर्क में सिस्टम, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, उनकी पोजीशनिंग क्या है, वो सब इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ये अच्छा सिक्योरिटी वालों के लिए भी है, बिकॉज आप सपोज एक न्यूली सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, ज्वाइन किए हैं कंपनी को, और आपको समझना है कि नेटवर्क अभी यहाँ का नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, टेपोलॉजी क्या है ना, डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं। और अगर सपोज आप एक्सपोर्ट सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, तो फिर अगर आपके हिसाब से कुछ वहाँ पे ऐसा इश्यूज दिख रहा है तो आप फिर बाद में उसको फिक्स भी कर सकते हैं, उनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। तो डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम हेल्प इन एनालाइजिंग द कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी तो आप लोगों को पता होगा, हैं, पता है ना टोपोलॉजी? हाँ सर, पता है। हाँ, तो टोपोलॉजी में डिफरेंट टाइप का कनेक्शन, आप डिफरेंटली हाउ यू कैन कनेक्ट डिफरेंट सिस्टम इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर नेटवर्क में, कैसे आपको बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड एंड ऑल, राइट। सो हाउ द नेटवर्क इज कनेक्टेड, द अटैकर वांट टू नो, सो दैट अटैकर उसके बाद फिर प्लान बना सकता है कौन से इसमें से डिवाइसेस या सिस्टम को अटैक किया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, नेटवर्क डायग्राम आप क्रिएट कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट, सो लेट्स गो अहेड। अभी देखो इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है DMZ, intranet and all, ठीक है। दिस इज अ नेटवर्क डायग्राम। बट अभी आपको लाइव डायग्राम अगर चाहिए तो आपके पास ये मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जो हाई लेवल सॉल्यूशंस हैं जो कॉर्पोरेट में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपका OP मैनेजर है, द ड्यूड है, नेट सर्वेयर है, नेट ब्रेन है, स्पाइस वर्क नेटवर्क मैपिंग है, राइट, एंड नेटवर्क टोपोलॉजी मैपर इज ऑल्सो देयर। इसको देखो, यहाँ पे स्कैन करने के बाद ये राउटर है, फिर इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है ना। सो व्हिच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इट इज, व्हाट टोपोलॉजी दिस इज, बता, बोला ना, स्टार टोपोलॉजी, स्टार स्टार स्टार, ठीक है। तो अभी देखिए, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू डू नेटवर्क डायग्राम हाउ टू क्रिएट, राइट। आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका टूल जो है वही कर देगा। अभी जैसे एनमैप से स्कैन करते हो, डायग्राम अपने आप वो बनाता है, टोपोलॉजिकल एक डायग्राम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक सेपरेट प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड फ्रेंडली पिंगर। व्हाट इज कॉल्ड, फ्रेंडली पिंगर, फ्रेंडली पिंग, मतलब जो ये लिस्ट है वो उसी का एक पार्ट है फ्रेंडली पिंग। यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप रेंज ऑफ IP दे सकते हो। व्हाट इज रेंज ऑफ IP, बिकॉज आपको नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन करना है तो यू हैव टू गिव रेंज ऑफ IP। सो फर्स्टली यू हैव टू चेक व्हाट इज द IP एड्रेस रेंज। ये नेटवर्क डायग्राम बनाने का जो प्रोसेस है लोकल नेटवर्क के लिए,
समझ में आया, ये इंटरनेट के लिए नहीं, मतलब आप एज अ हैकर सपोज यू गॉट कनेक्टेड विद वाईफाई, यू गॉट कनेक्टेड विद सम लोकल नेटवर्क, कॉर्पोरेट नेटवर्क, राइट? तो उस केस में आपको ये स्ट्रक्चर चेक इसलिए करना है, मे बी हैकिंग पर्पस के लिए आप चेक करना चाहते हो या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटर एजन भी हम देख सकते हैं, हैकर एजन भी इसका यूज कर सकते हैं। हर एक टेक्निक जो अभी तक हमने यूज किया है दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं कि दैट इज ओनली फॉर हैक। अगर दैट इज ओनली फॉर हैकिंग होता तो यहाँ पे इस तरीके से ओपनली बैठ के ट्रेनिंग नहीं होती है ना। सो वर्ल्ड वाइड इसकी जरूरत है कि आपको किसी भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल को अगर सिक्योरिटी एज अ प्रोफेशनल वर्क करना है तो पहले उसको हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और हैकर किस तरीके से क्या क्या मेथड, क्या क्या लॉजिक, क्या क्या मेथडोलॉजी, क्या क्या टूल यूज करते हैं वो आपको भी पता होना चाहिए, तभी आप उनसे डिफेंड कर सकते हैं, राइट? सो आईपी कॉन्फिग, एक बार क्या हुआ, एक जगह पे मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पे उस सिटी के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, ही केम, तो जो उस कंपनी का ऑनर था डर गया, ठीक है, ही सेड कि वो बोले कि व्हाट टाइप ऑफ व्हाट ट्रेनिंग यू गाइस गिव, आर यू टीचिंग हियर हैकिंग एंड ऑल, राइट? सो ही वाज लाइक नो नो सर नो, राइट? तो वो उनको आंसर नहीं दे पाया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है आप अपने जो, उसने बोला कि सर मैं नॉन टेक्निकल हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। सो फिर मुझे उन्होंने बुलाया, ठीक है, बोला कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग यू गाइस हैव गॉट, तो मैं समझ गया कि वो सिर्फ उनको भी पता है कि दे आर एथिकल हैकर्स एंड दे आर ट्रेनिंग द सिक्योरिटी, राइट? बट वो ये चेक करना चाहते हैं थे कि रियल में तुम मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है या जो ट्रेनर्स हैं वो क्लियर है क्या कि वो क्या ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? सो तो फिर उनको मैंने बताया, तो मैंने उनको बताया सबसे पहले कि बहुत सारे आपके ही डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने ट्रेनिंग दी है, तो वो इसलिए ट्रेनिंग इस टाइप की लेते हैं बिकॉज उनको जब तक किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल के जैसे सोचना बहुत जरूरी है, टू कैच ए क्रिमिनल यू हैव टू थिंक लाइक, राइट? सो एथिकल हैकर कॉन्सेप्ट इज डिजाइन इन द सेम, कि आपको अगर हैकर को समझना है, हैकर की एक्टिविटी को समझना है, तो पहले हैकर की एक्टिविटी को समझना हो तो करता क्या, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन फिर इसमें आप जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो कैसे इंश्योर होगा कि वो एथिकल हैकर ही बनेंगे, हैकर नहीं बने? मैं बोला उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए लॉ है, देर इज़ अ साइबर लॉ, है ना? अभी किसको क्या करना है वो उसका कॉल है, बट लॉ इज, दैट इज़ व्हाई लॉ इज देयर, विच डिफाइंस द लाइन बिटवीन व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल, राइट? समबडी हु इज आफ्टर द ट्रेनिंग, एजुकेशन इज नॉट अ क्राइम, राइट? मतलब अभी जैसे क्रिमिनल आइडियाज है किसी के पास, और क्रिमिनल आइडियाज को अगर कोई एक्सचेंज कर रहा है और उसका मिसयूज कोई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली द एक्सचेंजिंग क्रिमिनल आइडियाज आल्सो कम्स अंडर क्राइम, एक्सचेंजिंग क्रिमिनल आइडियाज आल्सो कम्स अंडर क्राइम, राइट? बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ हैकर कैन यू नो डू द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, राइट? और उसको कैसे डिफेंड करना है, हम इसमें काउंटर मेजर की भी बात करते हैं कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज से कैसे आप बच सकते हैं। सो ही वाज लाइक कि फाइन, तो उन्होंने फिर इनवाइट किया कि एक बार हमारे यहाँ पे जो हमारे न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए हम कुछ ट्रेनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि साइबर सेल वगैरह के पास क्या है, डिवाइसेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंड मिल गया, उनके पास हार्डवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, पर चलाने वाले भी तो चाहिए, है ना, राइट? एंड प्रॉब्लम विद द डिपार्टमेंट इज व्हाट, कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर, ठीक है, तो वो उनकी माइंडसेट क्या होती है, अभी एक ट्रेनिंग बहुत पहले मैं कर रहा था दिल्ली में, डीआरडीओ के कुछ एम्प्लॉयज थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी साइबर वॉरफेयर, ठीक है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे थे जो या तो रिटायर होने वाले थे
थे या तो 3 या 4 ईयर रिमेनिंग था उनका सर्विस, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ट्रेन कर रही है टू बिकम टू मेक देम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, राइट। वो फुल क्लासेस में सोते थे, ठीक है, हर 2 घंटे में ब्रेक लेते थे उठने के बाद, ठीक है, फिर चाय के लिए जाते थे, कॉफ़ी के लिए, एंड देन अगेन आते थे। तो मैं एक दो दिन तो बिकॉज आई वॉज न्यू, तो और उस समय मैं आज से 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है, तो उनके सामने तो मैं बहुत छोटा था, तो मैं सोचा इनसे डायरेक्टली मैं क्वेश्चनिंग नहीं करता, बट 2 दिन के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप फिर टाइम क्यों वेस्ट करते, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। बोले कि आप बताइए कि मैं अभी रिटायरमेंट हूँ, ठीक है, ये सीखने के बाद मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, राइट। और काम मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, अभी सीखेंगे तो बोलेंगे ये करो वो करो, ठीक है। तो मैं बोला कि फिर आपको अपॉर्चुनिटी दूसरे को देना चाहिए जो इंटरेस्टेड है सीखने, राइट, फिर आपको वो प्रपोजल लेना नहीं चाहिए, बिकॉज उसके लिए हाईली दे आर पेइंग ट्रेनर, दे आर पेइंग, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर एक्सपेंडिंग लॉट। फिर वो क्या करते थे, लास्ट सेशन जब होता था हर रोज का, तो उसमें मेरी बेटी जो है कॉलेज में है, ऐसा कुछ टेक्निक बताओ उसका मोबाइल या सिस्टम को कैसे मॉनिटर करते हैं। मेरा बेटा है इतने साल का है, मैं उनको ये बोलता था कि आप तो इतने सीनियर हैं, आपको पता होगा कि 18 के बाद आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, 18 के बाद अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लीगली इट इज़ नॉट अलाउड। तो ऐसे इस टाइप से होते हैं, तो उनका मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न, इफ दे आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न तो उनको फोर्सफुली तुम सिखा के कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है, अभी आप साइबर सेलोग्राम में जाओगे तो अभी यंगस्टर ज़्यादा मिले, बिकॉज वो इंटरेस्टेड है, वो बियॉन्ड लिमिट जाके सीखना चाहते हैं, प्राइवेटली खुद से जेब से पैसे खर्च करके भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको, बिकॉज उसमें एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। बट सीनियर पीपल दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वो उनको पता है बर्डन उनका बढ़ने वाला है, ठीक है, सैलरी नहीं बढ़ेगी, बर्डन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं, अभी प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपको पता है कि एक सर्टिफिकेशन करने के बाद आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, जॉब स्विच कर सकते हैं, देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट यू डोंट हैव दैट मच, राइट। आपका प्रोफाइल इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता है, यहाँ तो हर साल हम जॉब चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट डबल 100% हाई, राइट। सो दैट इज ऑल। तो देखो अभी ये आईपी है हमारा जो अभी मैं कनेक्टेड हूँ जिस नेटवर्क से, 56.6 का रेंज है, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट कनेक्टेड विद द वाईफाई वन, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करना है, अभी जैसे 0.1 सीरीज को आपको यूज करना है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गोइंग थ्रू दिस, okay, now you guys see here, now let's check the internet, that IP address range, IP config 0.15, right। तो ये जो range है इसी को हम scan करते हैं। अभी आप देखोगे when you start scanning you'll find different IP address will come, so यहाँ पे लिमिटेड ही सिस्टम होंगे, देखो गेटवे 1.1, राइट। अभी कंप्लीट स्कैनिंग होने के बाद अपने आप एक ग्राफ क्रिएट होता है, वो बस टोपोलॉजी से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आपको एक ही केबल पे सारे कनेक्टेड दिखेंगे, राइट। तो ये ग्राफ एक डिजाइन करने वाला है, बट स्कैनिंग करने में टाइम लगता है इसको, अभी देखो ये इट इज गोइंग ग्रेजुअली, सो स्कैनिंग 254 कंप्यूटर इज गोइंग टू टेक अराउंड 10 to 15 minutes ऑफ टाइम और मोर देन दैट मे बी, सी टिल नाउ वी हैव रीच्ड टू 6, we have got 5 numbers, Aditya B, right, मतलब जो भी इससे connected है उनके सभी के devices को ये list out कर रहा है, अब फिर उनका topological view दिखाए, फिर view के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ view है, उसके बाद आप उस पर ping करना है आपको और बहुत सारी activity करना है तो आप कर सकते हो, मतलब main objective इसका है कि कैसे आपके device network में devices connected है और क्या क्या available, that's the main logic। मिस्टर हेलो
having one doubt. By this scanning, we can able to see where they are providing in network, where they implemented WAF, IDS, those things and all, firewall, complete infrastructure we can able to see, or just in a topology, what are the systems in connected? No, that you can see all different devices which is connected to the network. Okay. So once we are done with the reconnaissance, we can when we get that IP range, so we can do this, right? Yeah. So once you're connected with the network and you want to scan, you can go through this. You can just give the range of IP address, and all the devices which is having IP address of the same range will be, you will be able to scan. And the graphs also will be created by default. It's useful, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट विजियो करके एक है जिसमें वो ग्राफ्स के लिए, नहीं नहीं देखो अभी आप क्या कर रहे हो, टोपोलॉजिकल व्यू देख रहे हो, ठीक है। अब टोपोलॉजिकल व्यू में क्या होता है, जैसे अभी एन मैपिंग आप करते हो, ठीक है, एन मैप जब आप करते हो, जब आई पी स्कैन करते हो, तो उस केस में टोपोलॉजिकल व्यू आपको वो ट्रैस रूट का दिखाएगा, ट्रैस रूट जो हम करते हैं ना, ट्रैस रूट, राइट। ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि इस करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, करंट जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप कनेक्टेड हो, उसके सेटअप का क्या सिनेरियो है वो चेक करने के लिए आपका, मतलब हैकर के लिए बेनिफिशियल कैसे है कि हैकर जब नेटवर्क के अंदर आता है तो उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि इस नेटवर्क में क्या क्या है, राइट। टू गेट फेमिलियर विद ऑल द थिंग्स विच इज अवेलेबल इन द नेटवर्क एंड देन ही कैन, अभी जैसे ये अभी इनिशियल स्टेज में ये फुट प्रिंटिंग स्कैनिंग में ही आ रहा है, एक बार मुझे लिस्ट मिल गया, जैसे एनमैप से हमने स्कैनिंग किया तो वहाँ भी हमको पता चल रहा है कितने सिस्टम हैं, राइट, और किस टाइप के डिवाइस हैं, तो आपको उसमें भी क्लियर हो जाता है। बट दिस इज एडिशनल, जिसमें टोपोलॉजिकल व्यू भी समझ में आता है, टोपोलॉजिकल व्यू समझ में आता है। हाँ, समझने में you are not audible. So what I'm saying that these mobile devices which we have right now, right, mobile के लिए scanner है जो आप use कर सकते हो, और इसको rooted phone पे आप ज़्यादा better use कर सकते हो, ठीक है, rooted phone पे। और एंड्रॉइड इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे, वहाँ से भी आपने यूज किया, आपने एचपिंग यूज किया, और जितने भी अलग अलग टाइप के स्कैनर है, अभी आगे हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करने वाले हैं, हमने पोर्ट स्कैनिंग किया, नेटवर्क स्कैनिंग किया, नाउ वी विल बी गोइंग विद द वल्नरेबिलिटी स्कैनर, राइट। सो दैट विल कम अंडर अनदर मॉड्यूल।
ये टूल्स हैं जो मोबाइल से रिलेटेड है जो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दीज आर द टूल विच यू कैन यूज फॉर स्कैनिंग. ये भी आपको पोर्ट स्कैन करके बताएंगे, बट इतने डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती. बट आज के रेट में मोबाइल को क्यों इन्वॉल्व किया गया, बिकॉज हैकर्स जो है कोई भी मोबाइल से भी अगर आपके नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उतनी ही एक्टिविटी कर सकता है जितना एक लैपटॉप और सिस्टम से किया जा सकता है. बिकॉज मोबाइल डिवाइसेस ऑल्सो हैव द इक्वल यू नो रिसोर्सेज लाइक रैम यू सी एंड द इंटरनेट कनेक्शन, द परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज इक्विवेलेंट टू लैपटॉप और डेस्कटॉप, राइट? तो वो सभी एक्टिविटी आप मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हो जो हम हैकिंग से रिलेटेड सिस्टम का यूज करके कर, इसलिए वो टूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए. ठीक है, तो दिस वाज द स्कैनिंग मॉड्यूल वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन. वी हैव सीन हाउ टू डू पोर्ट स्कैनिंग, हाउ टू डू नेटवर्क स्कैनिंग, हाउ टू डू पैकेट क्राफ्टिंग, हाउ टू यूज प्रॉक्सी, हाउ टू यूज वीपीएनस, राइट? अब आगे आपका स्कैनिंग का ही पार्ट है जो इन्यूमरेशन आएगा. तो हम लोग कल के सेशन में क्या करने वाले हैं, कुछ जैसे आप लोगों को लैब अगर परफॉर्म करना है, ठीक है, तो कुछ टूल्स की पहले हम लिस्ट आउट करेंगे और आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन पे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. ठीक है, तो वहाँ पे किसको क्या क्या डाउट है वो आप पूछ सकते हैं. सो टुमारो वी विल हैव द लैब सेशन. ओके, टुमारो वी विल हैव लैब सेशन. सर मैंने एक वीपीएन देखा था, एज इन वो हर एक मिनट में अपना आईपी एड्रेस चेंज करता है, तो आई वांटेड टू नो कि आपको पता है लाइक कौन सा वीपीएन है. वीपीएन मतलब वीपीएन, ये वीपीएन में भी आप सेटिंग कर सकते हो ना, जो भी वीपीएन आप यूज करते हो वो वीपीएन में आप सेटिंग कर सकते हो कि आपको आईपी स्विचिंग करना है या नहीं. दैट ऑप्शन इज देयर, एवरी वीपीएन हैव दैट ऑप्शन. Express VPN have that option, Nord VPN have that option. वो setting आपको करनी होती है. सभी में option होता है switching का. Okay, okay, okay. Got it. Okay, guys. So कल मिलते हैं और lab करते हैं, है ना? कुछ tools हम लोग देखने वाले हैं चला के. Sir, कल कौन से tools देखने वाले? मतलब मैंने तो आपको दिखाया है, but नहीं, जैसे Nmap आपको करना है, है ना, Maltego आपको करना है, HTTrack आपको यूज करना है, ठीक है. yes, और फूड प्रिंटिंग में हम लोगों ने जो भी फूड प्रिंटिंग में टूल्स यूज किए थे और स्कैनिंग में जो यूज किए उसको आपको करना है. आई विल गाइड यू अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है. yes, तो कल जब हम कनेक्ट करेंगे जूम के थ्रू, तो आई विल फर्स्टली टेल यू कि व्हाट टूल यू हैव टू गो थ्रू एंड स्लोली आई विल टेल यू, राइट? और आपको भी साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है. All right. Yes. Any questions you guys have? Go ahead. कुछ पूछना है आप लोगों को पूछ. Thank you, sir. Bye. Okay, guys. Good night. चलिए फिर. Good night.